ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैंने बाकी स्टूडेंट्स को मैसेजेस भी कर दिए हैं, जो लोग ज्वाइन करते जाएंगे वो क्लास को स्टार्ट से लेते रहेंगे। सो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेटजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मुकम्मल कर लिया था। स्ट्रेटजिक चॉइस क्या होती है, स्ट्रेटजिक एनालिसिस किसे कहा जाता है, किस तरह से बेसिकली बिजनेस को रन करने में इन चीज़ों की मदद ली जाती है, इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें हमने जो है वो अंडरस्टैंड कर ली थी। एक कंपनी का मिशन विजन, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, स्टेक होल्डर्स किसे कहा जाता है, स्टेक होल्डर्स का कंसेंट कहाँ पे ज़रूरी होता है, ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने कवर किए थे पिछली दो तीन क्लासेस में। टुडे व्हाट वी गोइंग टू स्टार्ट इज बेसिकली इन इन डेप्थ मॉडल ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। हमने कहा था स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में हम एक बेसिक क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि यार ओवरऑल लेवल पे हमने क्या करना है, ठीक है, कौन सा ऐसा बिजनेस इसमें हम एंटर होना चाह रहे हैं। स्ट्रेटेजिक चॉइस में हम ये देखते हैं कि हमें किस तरीके से करना है, और फिर उसकी टेक्टिकल और ऑब्जेक्टिव लेवल प्लानिंग होती है कि यार अब कौन कौन से गोल्स हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको जो है वो अचीव करना है। सो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, देन स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, देन बेसिकली आपकी पोजीशन वगैरह के हिसाब से आपके स्टेप्स और एग्जीक्यूशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो शामिल हो जाती हैं। आज थोड़ा सा इन डेप्थ एक मॉडल देखेंगे। प्राइमरली हमारे पास स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के अंदर दो तरह के एनालिसिस मौजूद होते हैं, एक एनवायरमेंटल और एक इंटरनल। सर एनवायरमेंटल को आप एक्सटर्नल एनालिसिस भी कह सकते हैं, दिस कुड आल्सो टर्म्ड एज द एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनवायरमेंट का आप यहां पे एनालिसिस करते हैं, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एनवायरमेंटल एनालिसिस। इसके अंदर हमारे पास पेस्टल शामिल है, हमारे पास पोटर्स फाइव फोर्सेस शामिल है, पोटर्स डायमंड शामिल है, और इंटरनल एनालिसिस के अंदर स्वॉट मौजूद है, वैल्यू चेन मौजूद है और कैपेबिलिटीज मौजूद है, यानी हमारे पास जो रिसोर्सेज और एफिशिएंसीज हैं ये मौजूद है, रिसोर्सेज प्लस एफिशिएंसीज। काफी हद तक ये तीनों एनालिसिस लिंक्ड है आपस में। मकसद ये है कि कंपनी का इंटरनल रिव्यू किया जाए, और यहाँ पे ज्यादातर जो आपकी बात होती है वो एक्सटर्नल की तरफ होती है। सही, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करनी क्यों है, क्या वजह बनती है, इसके बारे में काफी इनडेप्थ हमने स्टडी किया हुआ है, और इसका जो एक बेसिक मकसद है कि हम एक बेसिक क्वेश्चन को एड्रेस कर सकें, यह हमें समझ में आता है। आप किसी भी कंपनी को पिक कर लें, इन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे अपना स्ट्रेटेजिक एनालिसिस किया हुआ होता है। एक स्ट्रेटेजिक एनालिसिस बहुत अच्छी एग्जाम्पल, जिसके बाद फिर हम आगे बढ़ के हमारे आज के मॉडल को देखेंगे, इज बेसिकली फेसबुक। फेसबुक स्टार्टेड ऑफ एज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पे इस्तेमाल हुआ, जिसने लोगों को सॉर्ट ऑफ टीवी की और इस तरह की चीजों की जो है वो रिप्लेसमेंट दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन्हें वक्तन फवक्तन पता चलता रहा कि यार बिजनेसेस ऑन बोर्ड हो रहे हैं, तो इन्होंने बिजनेसेस के लिए अपना नाम मार्केटिंग अपना काम जो है वो मार्केटिंग से स्टार्ट लिया, और फिर इवेंचुअली इन्हें अंदाजा हुआ कि यार ये एक मार्केटिंग कंपनी जो है वो बन चुकी है। अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 2D से 3D पे लेके जा रहे हैं, जिसका एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, विच इज कॉल्ड मेटावर्स। मेटावर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर क्या चीज मौजूद है, जो चीज आप आज प्रैक्टिकली फिजिकली फील कर रहे हैं वो सारा कुछ डिजिटल हो जाए और डिजिटल सेंस में मौजूद हो। तो जिस तरीके से आप 3D मूवीज देखते हैं या वर्चुअल रियलिटी की गेम्स वगैरह देखते हैं, इस तरीके का पूरा एक वर्चुअल वर्ल्ड हो जहाँ पे लोग बिजनेसेस के लिए, सोशल बातचीत के लिए, ट्रैवल मतलब घूमने फिरने के लिए, मिलने जुलने के लिए एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जो है वो ट्रैवल कर सकें और घूम फिर सकें। जितने भी किलोमीटर्स पर फासला आप मेटावर्स के अंदर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं और लोगों से जाके जो है वो मिल सकते हैं। उसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो आज से तकरीबन 8 से 10 साल का है, 8 to 10 years। अब ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है जो फेसबुक अपने उस पर पूरा लेकर आया है, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है जो फेसबुक लेके आया है। क्यों, इन्होंने क्या इन सारी चीजों का एनालिसिस किया होगा, अपना इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस किया होगा, बिल्कुल किया होगा। एक्सटर्नल एनालिसिस में सबसे बड़ी बात इन्होंने ये पिक की है कि इंसान हमेशा से एक वर्चुअल दुनिया के अंदर रहना जो है वो ओवरऑल लेवल पे पसंद करता है। सबसे पहले ये तस्वीरें मतलब ये पेंटिंग्स हुआ करती थी, जब लोग पेंटिंग्स बनाया करते थे, अच्छी अच्छी सीनरीज को पेंटिंग्स में डाला जाता था। पेंटिंग से ये प्रोफेशनल फोटोग्राफी की तरफ चला गया, फोटोग्राफी से ये वीडियो मेकिंग की तरफ चला गया, वीडियो मेकिंग से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ गया, प्लेटफॉर्म से ये व्लॉग्स की तरफ चला गया, और फिर व्लॉग से करते करते अब लोग वर्चुअल रियलिटी की गेम्स और वर्चुअल रियलिटी की चीजों की तरफ जो जा रहा है। मूवीज का भी इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले था, क्योंकि जब आप एक मूवी वॉच करते हैं तो आप एक वर्चुअल दुनिया के अंदर होते हैं जहां पे जो चीज हो रही है उसको सिर्फ इमोशनली इंजॉय किया जा सकता है, प्रैक्टिकली उस कहानी की कोई हकीकत नहीं होती, वो कहीं पे हो नहीं रही होती, इट्स जस्ट एन एक्ट विच पीपल इंजॉय सो दे वॉच इट।
स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फेसबुक ये लेके आया कि यार हमारे पास सबसे पहली बात ट्रैफिक मौजूद है, हमारे पास जो है वो लोगों का डेटा मौजूद है, हमारे पास लोगों के बिहेवियर्स मौजूद हैं, हमारे पास एम्पल अमाउंट में फाइनेंस मौजूद है, ठीक है, और हमारे पास इस तरह की दीगर कैपेबिलिटीज हैं। ये सारी कैपेबिलिटीज ऐसी हैं जिसको हम सोशल मीडिया को 2D से 3D पे शिफ्ट कर सकते हैं। 2D आज आप इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर देखते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ 2D। इंस्टाग्राम के ऊपर आप एक पिक्चर देखते हैं, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ 2D, और 3D के अंदर यही चीज कन्वर्ट हो जाएगी मेटावर्स में, जहां पे वर्चुअल प्रॉपर्टीज होंगी, जहां पे वर्चुअल इस तरह की सारी चीजें होंगी, और ये सारा कुछ इस वक्त अगर ट्रेड हो रहा है तो वो सारा का सारा क्रिप्टो में ट्रेड हो रहा है बेसिकली। सो ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है। ये लेने से पहले ऑब्वियसली फेसबुक ने ये डिसीजन लेने से पहले अपने तमाम किस्म के एनवायरमेंटल और इंटरनल एनालिसिस को जो है वो परफॉर्म किया होगा। एनवायरमेंटल की एग्जाम्पल मैंने आपको बताई ह्यूमन बिहेवियर, एट द सेम टाइम इंटरनल एनालिसिस की एग्जाम्पल मैंने आपको बताई इनके पास जो कैपेबिलिटीज वगैरह मौजूद है, डेटा हो गया, ट्रैफिक हो गया, बिहेवियर्स हो गया, फाइनेंस हो गया, कैपेबिलिटीज हो गई, ये सारी चीजें। हमारे कोर्स में प्रैक्टिकली हमें ये चार पांच चीजें हैं जिसको एक फ्लो चार्ट की मदद से मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, और पहला जिसमें हम पिक करेंगे वो करेंगे पेस्टल एनालिसिस। जो चीजें यहाँ पर मौजूद हैं वो थोड़ी सी मैंने इधर आउटलाइन भी की हुई है, ये तीनों यहाँ पर आउटलाइन हुई हुई है और ये इंटरनल एनालिसिस की चीजें यहाँ पर आउटलाइन हुई है। सबसे पहले जिसको हम पिक कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज दी पेस्टल एनालिसिस, सही है, पेस्टल एनालिसिस। लेकिन आपको पता है कि यार बेसिकली हम किसी भी बात के ऊपर डायरेक्ट नहीं आ जाते, कॉन्सेप्चुअली पहले चीज को जो है वो डिस्कस करते हैं बेसिक सी एग्जाम्पल से, और फिर उस एग्जाम्पल के बाद जो है वो बेसिकली हम इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट चलें जी, आप लोग में से बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में ये देखा है कि उनका घर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हुआ हो। डू वी हैव पीपल? अपना अपना एक्सपीरियंस बताना सबने, एवरीवन। रजाक ने हाथ हैंड रेस किया है, शायद वो कहना चाह रहे हैं कि सर मेरा घर शिफ्ट हुआ है। बिल्कुल हुआ है, ठीक है। और कौन कौन है जी? मोहम्मद सरवर कह रहे हैं सर मैंने देखी है घर की शिफ्टिंग। दो ही लोग हैं बस जिन्होंने आज तक घर की शिफ्टिंग होते हुए देखी है, एक इलाके से दूसरे इलाके में। एनीवन एल्स? हैरत की बात है यार, सात आठ लोग इस वक्त मीटिंग के अंदर है लेकिन सिर्फ दो ही लोगों ने देखा है। अम्मार मलिक ने हैंड रेस किया, गालिबन ये भी कहना चाह रहे हैं कि सर मैंने भी देखा है। अच्छा अब मुझे बताओ, जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं, हम इसको सिर्फ घर की शिफ्टिंग नहीं ले रहे, हम कंट्री लेवल पे बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप आज एक सक्सेसफुल ACA हो जाते हैं, और ACA होने के बाद आपके पास एक जॉब ऑफर आती है। वो जॉब ऑफर कहाँ से आती है जी? वो जॉब ऑफर आती है आपके पास से लेट्स से ओमान की तरफ से आती है, या कतर से कोई ऑफर आती है, या USA से कोई ऑफर आती है, या UK से ऑफर आती है, या सऊदीया से ऑफर आती है, और आप वहाँ सीनियर एसोसिएट वन, सीनियर एसोसिएट टू, या असिस्टेंट मैनेजर के लेवल पर जाते हैं। मुझे बताओ एक कंट्री की तरफ माइग्रेट करने से पहले वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आप इवेल्युएट करेंगे? जी भाई अब थोड़ा रियलिटी में चलते हैं ना, बस ये इंशाल्लाह हमारा होने वाला है, पेपर वेपर्स हम दे रहे हैं, उसके बाद एक नहीं दूसरा साल हमारे पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज इंशाल्लाह ताला अवेलेबल होंगी। और लाजमी सी बात है फाइनेंस के बहुत सारे प्रोफेशनल्स इसी तरह पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, तो क्या चीजें आप नोट करेंगे कंट्री में जाने से पहले? एवरीवन अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास अभी एक ऑफर जो है वो इसी तरीके से काम करने के लिए काबुल में अफगानिस्तान में, तो चले जाएंगे? अफगानिस्तान और USA का अगर कंपैरिजन करना हो तो किस तरीके से किया जाएगा? एवरीवन अभी तक कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं पोर्टल लिंक सर क्लास का दे दें, इट्स ऑन द पोर्टल। अपने व्यूज बताइएगा। सर इकोनॉमिक कंडीशंस देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखेंगे, ठीक है। मैं तुम लोगों के पॉइंट्स जॉट डाउन कर रहा हूँ, बिल्कुल सही पॉइंट बता रहे हो सर। सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखी जाएगी। अफगानिस्तान लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से ही सबसे पहले शायद हमारी प्रेफरेंस ना हो, ठीक है। हम इंग्लिश सिस्टम में बड़े हुए हैं, वहाँ पे इस्लामी निज़ाम है, इतना आसानी से हजम तो नहीं होगा। इकोनॉमिक कंडीशंस, अपॉर्चुनिटीज,
इकोनॉमिक कंडीशंस देखेंगे, अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। अगर एक ऐसी जगह आपको भेज दिया जाए जहाँ पे हलाल खाना और जो प्रेयर्स की जो 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 बेसिकली अपॉर्चुनिटी है वो मौजूद ही नहीं है, कोई प्लेस ही नहीं है जहाँ पे आप नमाज वगैरह पढ़ सकें, तो फिर क्या ख्याल है उसके बारे में? फ्यूचर स्टेबिलिटी, गुड पॉइंट। सोशल एनवायरनमेंट देखेंगे, बिल्कुल सर, सोशल एनवायरनमेंट भी देखा जाएगा, इस बात को समझा जाएगा कि वहां के लोग कैसे हैं, कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं, कम्युनिटी किस तरह की रहती है, ठीक है, लोग किस तरह के, कम्युनिटी किस तरह की है, प्रैक्टिसेस किस तरह की है। ऐसे इलाके में आप जाके नहीं रहना चाहेंगे जहाँ पे बहुत ज्यादा चोरी चकारी और इन सारी चीजों के मसाइल हों, या लोग वहां पे बहुत ज्यादा वायलेंट किस्म के हों, लड़ाई झगड़ा फौरन से हो जाता हो, इस तरह की जगह पे जाना नहीं पसंद करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से वहां का ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लीगल में आ गया, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन, फ्यूचर की स्टेबिलिटी, ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो भर लाएंगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल, आपकी जरूरत की टेक्नोलॉजी वहां पे अवेलेबल है या नहीं, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं, पता चला आप ऐसी जगह जाके फंस गए जहां पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मौजूद ही नहीं है, इंटरनेट वगैरह यूज नहीं होता दुनिया में भी, वो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी जगहें हैं जहां पे इंटरनेट की रसाई नहीं है, या फिर उनकी गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है कि नहीं आप बाहर की किसी चीज से ऐसे कनेक्ट नहीं हो सकते। यही वजह है कि हमारे बहुत सारे लोग चाइना जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि चाइना की हर चीज अपने उस डोमेन में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं, जो बाकी सारी कंट्रीज मिलकर कर रहे हैं, चाइना में उस हर चीज का अपना एक बेसिक वर्जन खुद का होता है जो आपको यूज करना पड़ता है। बहुत ज्यादा पाकिस्तानी शौक से वहां पर नहीं जाते, जितना शौक से शायद वो यूके चले जाएंगे, कनाडा चले जाएंगे, यूरोप के दूसरे ममालिक में चले जाएंगे, शायद चाइना उनकी इतनी बड़ी प्रेफरेंस जो है वो वायरल नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से आप माइग्रेट करते वक्त ये सारी चीजें सोच रहे हैं, कंपनीज अपने बिजनेसेस के लिए इन सारी चीजों को एनालाइज करती है, और ये एनवायरमेंटल एनालिसिस का एक बहुत बेसिक सा मॉडल है पेस्टल एनालिसिस, जिसके अंदर हम 6 किस्म की चीजें इवैल्यूएट करते हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशंस, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इकोलॉजिकल या एनवायरमेंटल, एंड लीगल, लीगल मामला। ये बेसिकली 6 पॉइंट्स हैं हमारे पास, सोशल और ये इसके बाद। तो ये जो पेस्टल नाम की एब्रीविएशन है ये इन्हीं मॉडल्स के ऊपर है, पॉलिटिकल के ऊपर, इकोनॉमिक के ऊपर, सोशल के ऊपर, टेक्नोलॉजिकल के ऊपर, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर और लीगल के ऊपर, ठीक है। बारी बारी इन सब की एक एक एग्जांपल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल से मुरादी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी एंड फॉरेन ट्रेड रेगुलेशंस। आज अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर कोई कंपनी आना चाहती है, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कंपनी आना चाहती है और आके इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो सबसे पहले यहाँ के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स को देखेगी। अगर पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, डेमोक्रेसी वाली चीज नहीं है, लोग अपनी मर्जी से नहीं रह रहे, फौज का कंट्रोल है, आर्मी बेसिकली इसको कंट्रोल कर रही है, तो बहुत सारे नाम निहाद अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग ये कहेंगे कि भाई ये वाले मुल्क में फिलहाल इन्वेस्टमेंट नहीं की जा सकती, यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। कब क्या हो जाए, कब किसको खतरा पैदा हो जाए, कब कौन से मसाइल हो जाए, इस तरह के। और कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर टू के जमाने में किसी ने कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी, इट्स नॉट पॉसिबल। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो ही लोग आगे जो है वो इस हवाले से बढ़ सकते हैं। इसीलिए जो मार्शल लॉ के साल हैं जिसमें पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा, उन सालों में इतनी ज्यादा पाकिस्तान डेवलपमेंट वगैरह ही सारी चीजें जो है वो बहरहाल नहीं कर पाया। जबकि पहली बार जब पीपीपी ने अपना एक टेन्योर पूरा किया 2008 से 2013 का जो टेन्योर था इन्होंने जो पूरा किया, तो फर्स्ट टाइम हमने 5 ईयर्स हमारी हुकूमत के मुकम्मल किए। और आप उसके बाद से देख लें पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज ने अपना बिजनेस यहाँ पे एक्सपेंड किया, ग्रो किया, नई नई कंपनीज आई। 2016-2017 के अंदर कई कंपनीज पाकिस्तान में आ रही थी। इसकी नोटेबल एग्जांपल्स हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की इस वक्त एग्जांपल उठाते हैं तो स्पोर्टेज अभी रिसेंटली हमारे पाकिस्तान में आई है, जो किया वालों की फ्रेंचाइज है, लकी किया मोटर्स जो है उसको लेकर आया, पिजॉट की गाड़ियां ये बेसिकली लेकर आ गए, एमजी ने अपनी गाड़ियां पाकिस्तान में भेजना जो है वो शुरू कर दी। इसी तरीके से मुख्तलिफ और कंपनीज भी जो VIC वगैरह साजगार लेके आ रहा है, हवल पाकिस्तान में लॉन्च हुई है, ये सारी गाड़ियां जो मुख्तलिफ कंपनीज की हैं या आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आ रही हैं। एवरी अदर पर्सन इज लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डे वन पे ही नहीं है तो फिर आपका उस कंट्री में इतना जबरदस्त तरीके से ऑपरेट करना मतलब पॉसिबल ही नहीं है।
फिर आ जाती है इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर आपकी इन्फ्लेशन क्या है, बिजनेस साइकिल्स क्या है, एम्प्लॉयमेंट, डिस्पोजेबल इनकम, एनर्जी अवेलेबिलिटी, कॉस्ट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे आप पब्लिक को एनालाइज करते हैं कि यार जिनके थ्रू आप देख रहे हैं कि डिमांड मौजूद है, क्या वो आपकी इस प्राइस को और इन सारी चीजों को पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इनकम लेवल्स इन चीजों को अलाउ करते हैं या नहीं करते। आज फॉर एग्जाम्पल अगर मैकडोनल्ड्स जिस जमाने में पाकिस्तान में आया होगा, मैकडोनल्ड्स ने सोचा होगा कि यार क्या पाकिस्तान के लोग वाकई इस प्रोडक्ट को खरीदने के लायक हैं या नहीं। अगर वो इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं तो फिर इसको लॉन्च करना फायदेमंद है, और अगर वो खरीद ही नहीं सकते तो फिर उसको लॉन्च करना फायदेमंद बहरहाल जो है वो एट द सेम टाइम नहीं है। इन सारी चीजों को जो है वो एनालाइज किया जाता है। फिर आपका सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट, बर्गर किंग हो गया, ठीक है, इस तरह की मुख्तलिफ फास्ट फूड चेन्स हो गई जो इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन्स हैं, वो जब पाकिस्तान में आती हैं तो उन्हें पता है कि यार सोशली यहाँ पे हलाल खाना एक्सेप्ट किया जाता है, और हलाल के अंदर वो पोर्क वगैरह और इस तरह की चीजें सेल नहीं कर सकते, इन्हें हलाल सर्टिफिकेशन की बहरहाल जो है वो जरूरत होती है, और इन्हीं सर्टिफिकेशन के साथ जो है वो बहरहाल यहाँ पे काम किया जा सकता है। प्लस रेस्टोरेंट का जो आउटलुक है, सीटिंग की कैपेसिटी है, सीटिंग का एरिया है, और मुख्तलिफ किस्म की इस तरह की अपेयरेंस की जो चीजें हैं, ये आपको बहरहाल पाकिस्तान के एनवायरमेंट और सोशल कल्चर के हिसाब से जो है वो बहरहाल करनी पड़ती है, और इन सारी चीजों को जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है। अच्छा जी, जूम की स्क्रीन अगर किसी को जूम आउट लग रही है, मेरे पास ऐसे जगह कम हो जाती है ना लिखने के लिए, तो आपके पास अगर फोन है तो आप उसको थोड़ा सा जूम मतलब जूम इन कर लें, और अगर लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं तो कंट्रोल और प्लस वाले साइन से आपकी स्क्रीन जो है वो जूम इन हो जाएगी। मेरे पास फिर यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम हो जाएगी, लेकिन मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है कुछ। ऑल राइट, सो सोशल के अंदर सारा आपका कल्चर वाली चीज आ जाती है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें, फेस्टिवल्स के अंदर ईद का फैक्टर है, रमजान का फैक्टर है। अब रमजान में बहुत सारे लोग हैं, ऑलपर्ट्स की एड देखते हैं, बिल्कुल कल्चर के हिसाब से, यहाँ के लोकल कल्चर के हिसाब से ऑलपर्ट्स की एड जाती है। हालांकि फ्राइजलैंड कैंपेना एंग्रो फूड्स जो इसकी कंपनी है, उसकी होल्डिंग पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान से बाहर मेजोरिटी होल्डिंग इसकी मेरा ख्याल है फॉरन शेयर होल्डिंग है, और बाहर की कंपनी इसको ओन करती है पाकिस्तान से बाहर की। लेकिन जब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो ऑपरेट करेंगे तो यहाँ के सोशल कल्चर के हिसाब से करेंगे। फिर टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, किस हद तक हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ये सारी चीजें। आज अगर एप्पल अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पाकिस्तान में लगाना चाहे तो शायद इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी और वो सारी चीजें जो इनको यहाँ पर चाहिए वो बहरहाल जो है हमारे पास इस तरीके से अवेलेबल नहीं है। फुटबॉल का कोई बड़ा मैच अगर हम करना चाहें तो नहीं कर सकते, फुटबॉल मैचेस, फुटबॉल स्टेडियम और ये सारी चीजें जो इसकी इसके लिए जरूरी है, इसके लिए हमें बाहर के इंजीनियर्स चाहिए, बाहर के लोग चाहिए जो आके इनको पहले सेटअप करें, फिर उसके बाद हमें नहीं यूटिलाइज कर सकें। तो कंपनीज जब भी आती हैं वो उन फैसिलिटीज को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को समझते हुए फिर आती हैं। बाज दफ़ा आपके पास पीछे रॉ मटेरियल नहीं होता, इस तरह के रिसोर्सेज नहीं होते, वो उस मुल्क में मौजूद नहीं होते, तो कंपनीज नहीं आ पाती। टेक्नोलॉजी भी इसमें से एक एग्जाम्पल है। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में अलहमदिल्ला काफ़ी हद तक पीछे है दुनिया से, और बेसिकली इसके अंदर बड़ा एक जब हमारे लोगों को प्राइड लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट्स का सोचा जाता है तो वो प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, या किसी किस्म का ऐसा सट्टा जिसमें 21 दिन में पैसे डबल हो जाएं, या फात मुस्तफ़ा के शो में हमारी गाड़ी निकल आए, इस तरीके की बहरहाल लोगों की सोच है। टेक्नोलॉजी की तरफ, इन सारी चीज़ों की तरफ आने में, इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा जो है वो बहरहाल वक्त दरकार है। हर कंपनी आने से पहले टेक्नोलॉजी को ही देखती है। आप अमेजोन देख लें, आप एप्पल देख लें, टेस्ला देख लें, जब भी पाकिस्तान में सोचेंगे कि हम अपने लोकल यूनिट्स लगाएं या मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें, तो अभी वो मशीनरी, वो चीज़ें, वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर एज सच अवेलेबल है ही नहीं। दुनिया की मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो है वो मौजूद है। अब एक्सपो 2020 जो दुबई में हुआ, बेसिकली वहाँ का अपना एक इनिशिएटिव था, अपना एक प्रेरोगेटिव था, लेकिन अगर ऐसा कोई मिनी इवेंट पाकिस्तान में करना चाहिए तो वो लेवल जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी का था, जिस तरीके से स्क्रीन्स इम्प्लांट हुई हुई थी, जिस तरह से वो पूरा ऑपरेट कर रहा था, शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पे इस तरीके से जो है उसको लेकर आना। फिर बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो बाहर अपने टेक्नोलॉजिकल यूनिट्स को रखती हैं, क्योंकि उस तरह के सर्वर्स पे लोग, उतनी उस लेवल की टेक्नोलॉजी, पीछे इक्विपमेंट, वो सारी चीज़ें जो है वो बहरहाल अवेलेबल नहीं होती। इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल इन्वायरमेंट, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जा सकती है कि वो रेलिवेंट नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए अवेलेबल हैं या नहीं अवेलेबल। The ecological environment sometimes just referred to as the environment considers ways in which the organization can produce its goods and services with the minimum environmental damage.
फिर उसके बाद आ जाता है लीगल एस्पेक्ट कि भाई लॉज एंड रेगुलेशंस वगैरह क्या है, यहाँ पर कंपनी बनाते वक्त हमें ट्रांसफर प्राइसिंग कैसी रखनी पड़ेगी, कितनी प्राइस यहाँ पे रखनी पड़ेगी, कितना टैक्स हमारे पर आएगा, तो टैक्सेशन, एम्प्लॉयमेंट लॉ, मोनोपोली लेजिस्लेशन और एनवायरमेंटल के प्रोटेक्शन लॉज, ये सारी चीजें पेस्टल एनालिसिस के अंदर मौजूद होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में माइग्रेट होते वक्त एक 100% ड्यू कंसिडरेशन इस चीज को देते हैं कि वहां पे क्या क्या फैक्टर्स हैं, मुझे वहां जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मतलब आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो शायद यूके का ऑप्शन छोड़ के किसी ऐसे मुल्क में जाए जहाँ की करेंसी इतनी स्ट्रांग नहीं है। लोग पाकिस्तान से बाहर उन ममालिक में जाते हैं जहाँ की करेंसी स्ट्रांग हो और वहां पे सेविंग कर सकें। सऊदी अरेबिया के अंदर टैक्सेशन नहीं है, इनकम टैक्स नहीं है, ये लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आ गया। बाज लोग वहां पे इसलिए जाते हैं कि भाई कोई बहुत ज्यादा इनकम टैक्स लगता नहीं है, थोड़ा बहुत वैट लगता है 5-7-1% 10% वो वैट दे देंगे, वो तो चीजों को परचेस करने के ऊपर है, लिविंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है नहीं, वहां चलते हैं सेविंग अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा दूसरी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के अंदर भी लोग इसीलिए जाते हैं। दुबई को और अबू धाबी को थोड़ा सा अवॉइड किया जाता है क्योंकि वहां पे लिविंग बहरहाल जो है वो महंगी है और ये सारी चीजें इन रिसोर्सेज को अफोर्ड करना ये सब करना बहरहाल एक्सपेंसिव उसमें आ जाता है। तो जिस तरीके से आप उसको एनालाइज करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से कंपनीज भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले या कोई नया बिजनेस लाने से पहले इन सारी चीजों को एनालाइज करती है फ्रॉम अ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, सोशल पर्सपेक्टिव। अब इकोनॉमिक्स में मैं तुम्हें छोटी सी मिसाल दूं, कंपनी तो खैर बहुत बड़ी बात हो गई ना, हम कह लेते हैं भाई ये शख्स है, इसने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना है, ठीक है जी, बिल्कुल करना है। कितना इन्वेस्ट करना है, बिल्कुल सिंपल रखते हैं 10 USD, 10 USD इन्वेस्ट करना है। अभी क्या रेट चल रहा है हमारे पास, सर अभी हमारे पास रेट चल रहा है लेट से 150, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 10 × 150, इस बंदे ने आपके 1500 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, 1500 रुपये इन्वेस्ट किए, ये 1500 रुपये के बेसिकली इसने स्टॉक्स खरीद लिए किस कंपनी के, मान लो हमारे पास इसने जो है वो एट द सेम टाइम एंग्रो के स्टॉक्स खरीद लिए, ठीक है, 1500 रुपये के स्टॉक्स खरीदे, 1500 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, बड़ा सिंपल करके बता रहा हूँ, 1500 अगर छोटा लग रहा हो तो आगे लाख या मिलियन कुछ से लगा लो तो मसला नहीं, 1500 यहाँ इन्वेस्ट किया, एंग्रो ने ग्रो किया, स्टार्ट में ये 1500 था लेकिन साल के एंड में 10% ग्रो करने के हिसाब से एंग्रो का स्टॉक जो है वो 1650 का हो गया, 10% की यहाँ पे ग्रोथ आई, 150 रुपये की यहाँ पे बहरहाल जो है वो ग्रोथ आई, एक अच्छा सिनेरियो नजर आया कि ठीक है यार 1500 रुपये इन्वेस्ट किए थे 1650 हो गए। लेकिन ये जो रेट था हमारा, जो ये रेट था 150 का, ये करते करते एंड में साल के एंड में 171 हो गया, 171 का रेट हो गया। अब इस 1650 को 171 से डिवाइड करो क्योंकि अब वो कन्वर्ट कर रहा है, अब पाकिस्तान से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना चाहता है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, ये बन गया जी $9.64। अब जो बंदा इन्वेस्ट करेगा वो ये सोचेगा कि यार ये किस तरीके की सूरत हाल है, मैंने $10 लगाए थे, मेरे $10 यहाँ पे इन्वेस्ट करने की वजह से 9.64 रह गए, उल्टा मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो गई। नजर ये आ रहा है कि कंपनी ने तो ग्रो किया है, कंपनी का स्टॉक ऊपर गया है, लेकिन इस स्टॉक के अंदर कोई रियल ग्रोथ नहीं है, ये अगर ऊपर गया तो ये इन्फ्लेशन की वजह से गया है, इसका प्रॉफिट अगर बढ़ा है तो वो इन्फ्लेशन की वजह से गिरा है, बढ़ा है रियल ग्रोथ, जो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ होती है वो नहीं आई, वो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ ना आने की वजह से जो स्टॉक के अंदर आपको एक अपसर्ज भी नजर आया वो किसकी वजह से नजर आ गया, इन्फ्लेशन की वजह से नजर आ गया, और यही इन्फ्लेशन आपके उसमें ट्रांसलेट करेंसी में ट्रांसलेट होती हुई नजर आई, करेंसी ज्यादा डेप्रिशिएट हुई, आपका स्टॉक कम एप्रिशिएट हुआ, रिजल्टिंगली आपको यहाँ पे लॉस की सिचुएशन देखनी पड़ी। इधर आपने उल्टा $0.5 यानी तकरीबन 5% आपकी इन्वेस्टमेंट का आपने उल्टा गंवा दिया, 5% आपने गवा दिया क्योंकि करेंसी आपकी डेप्रिशिएट ज्यादा हुई और स्टॉक आपका एप्रिशिएट कम अमाउंट से हुआ। ये बिल्कुल एक इकोनॉमिक कंडीशन की एग्जाम्पल है, दिस इज अ प्योर एग्जाम्पल ऑफ एन इकोनॉमिक कंडीशन। कंपनीज भी इन्वेस्ट करते वक्त यही सोचती हैं कि यार हम यहां पे इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं हमारे पैसे उल्टे जाया हो जाए, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा, करेंसी डेप्रिसिएशन इतनी ज्यादा, ये सारे मामला मसाइल इन चीजों को फेस करना, सो वो तो बेसिकली लोगों के लिए जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए उल्टा इशू बन जाता है। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, बिल्कुल इसकी तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दूं, नस्ला टावर के साथ जो इस वक्त मामला हुआ, मतलब सीक्वेंस क्या होना चाहिए था भाई, पहले जो लोग रह रहे हैं उनको पैसे मिलते,
जिन लोगों ने गलत अप्रूवल्स दी उनको सजा मिलती, उसके बाद आप वो प्रोजेक्ट गिराते। हमने किए तो यही तीन काम, लेकिन उल्टा किया। पहले जगह गिरा दी, फिर लोगों को कहा अब आपको पैसे मिल जाएंगे, और अब लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने उसके अप्रूवल्स दिए थे। सारी दुनिया में जब डंडोरा पिट गया कि आप इसको गिराने वाले हैं, तो जिन्होंने उसके अप्रूवल्स दिए थे वो घर में थोड़ी बैठे होंगे कि आप आएंगे और आप उन्हें पकड़ लेंगे और बड़ा आसानी से जो है वो काम हो जाएगा। इंतहाई बेवकूफ़ी का और इंतहाई नादानी का, स्पेयर माई वर्ड्स, लेकिन इंतहाई नादानी का इन्होंने जो है वो फैसला किया, और सीक्वेंस जो है वो इस तरीके से रखा कि नहीं यूं फॉलो किया जाएगा, बजाय इसके कि पहले लोगों को इम्यूनिटी मिलती, पैसे मिलते उनके वापस, उसके बाद उस जगह खत्म किया जाता। इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने नस्ला टावर से हमारे लीगल एनवायरनमेंट का अंदाजा लगाया, और क्लियरली लोगों ने कहा भाई अब यहाँ इन्वेस्ट करना ही है। एक बंदा आके अप्रूव करके चला जाता है और बाद में पता चलता है कि वो जगह तो अप्रूव करनी ही नहीं थी, और जो है वो लोग इसको इस तरीके से समझते हैं कि भाई जिसने अथॉरिटी दी वो सही था, जबकि बाद में इसका नुकसान उठाना पड़ता है, तो ये काम करना ही नहीं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI, जो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत डिस्करेज हुई है इसकी वजह से। जो पहले लोग पाकिस्तान के रियल स्टेट और प्रॉपर्टी में पैसे लगाते थे, उनका हाथ बाकायदा वो डरने लगे हैं जब उन्हें पता, और दूसरा उन्हें पता चला बहरिया टाउन के अंदर जो हुआ कि भाई लोगों की जमीनों पे कब्जा किया गया है, इस तरीके के जो मामलात हुए। तो ये जो आदमी सोचता है पैसे लगाने से पहले, एक इंडिविजुअल सोचता है यहाँ पे, एक जब इंडिविजुअल सोचता है तो बिल्कुल इसी तरीके से कंपनी भी सोचती है कि यार हमें इस मुल्क में पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने। आज अगर US दुबई के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेता है तो वो देखता है कि यार मेरी पेमेंट सिक्योर्ड है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लीगल मामला प्रॉपर है, करेंसी स्ट्रांग है, पीछे तेल की बैकिंग है, मेरे पैसे दे सकते हैं, मैं यहाँ से कुछ चीज़ें अपने लिए जो है वो मंगवाता हूँ, यानी कि अपनी कंट्री में इम्पोर्ट करता हूँ, तो मेरी पेमेंट वहाँ से भी थोड़ी बहुत रिकवर हो जाती है कि सामान मंगवा के मैं उनको पे ऑफ बहरहाल नहीं करूँगा। ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद, विजुअलाइज करने के बाद, इवेंचुअली कंपनीज जो है वो इस बात को डिसाइड करती हैं कि हाँ उन्हें काम करना है या नहीं करना। सो दिस इज अबाउट द पेस्टिल एनालिसिस का मॉडल, जिसमें आप एक जगह पर जहां आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसका पूरा एनालाइजेशन करते हैं, कह रहे हमें ये चीज करनी है या नहीं करनी। मैकडॉनल्ड्स यहाँ पे आया होगा, उसने सोशल एस्पेक्ट से जो है वो चीजें सोची होंगी। फूड पांडा पाकिस्तान में आया होगा तो उन्होंने लीगल एतबार से सोचा होगा कि यार जो ऑनलाइन सेल्स हम बेच रहे हैं, ऑनलाइन सेल्स हम कर रहे हैं, इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी। वैसे मैं तुम लोगों से पूछता हूँ क्या टैक्सेबिलिटी है अगर आप ऑनलाइन किसी चीज को बेचते हैं, और अगर आप रेस्टोरेंट में किसी चीज को बेचते हैं, मतलब रेस्टोरेंट में जब लोग आते हैं और आप उन्हें खाना जो है वो सर्व करते हैं, इसकी क्या टैक्सेबिलिटी है, और फूड पांडा जो ऑर्डर डिलीवर करता है इसकी क्या टैक्सेबिलिटी है। जी भाई, एनीवन ये बताना चाहेगा कौन सी गुड्स हैं, कौन सी सर्विसेज हैं? यार किसी एक ने तो पढ़ा होगा अभी तक। मैंने अमूमन देखा है कि फूड पांडा का अगर आप खाना वगैरह ऑर्डर कर रहे होते हैं तो फूड पांडा का खाना जो सेल्स टैक्स लग के आता है वो 17% लग के आता है, वो गुड्स वाला हिसाब किताब करते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट्स के अंदर आप जाएं तो रेस्टोरेंट्स के अंदर तकरीबन 13% आपको GST लग रहा होता है, जो सर्विस की मद में सेल्स टैक्स आ रहा होता है। सो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ये निकलती है कि रेस्टोरेंट्स अगर कोई खाना सप्लाई कर रहे हैं तो उसको सर्विसेज कंसिडर किया जाता है, लेकिन वही चीज़ अगर फूड पांडा ला के आपको दे रहा है या आप घर पे मंगवा रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवरी मंगवा रहे हैं, तो वो गुड्स के जुमरे में आता है और उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी गुड्स की होती है। फूड पांडा जब पाकिस्तान में आया होगा उन्होंने उस टैक्सेशन के लॉ को और इन सारी चीज़ों को बहरहाल समझा होगा, इकोनॉमिक कंडीशन समझी होंगी, और उनके राइडर्स वगैरह बाहर घूमते हैं तो उन्होंने लीगल मतलब पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, लीगल सिस्टम कैसा है, जान सेफ्टी वगैरह कैसी है, सेफ्टी के प्रोसीजर्स कैसे हैं, इस तरह की चीज़ें सोची हैं। फिर बास कंपनीज ये भी डिसीजन लेती हैं कि हमें एम्प्लॉयज़ को लोकली हायर करना है या हम इंटरनेशनल लोगों को जो है वो लेकर आए। ये एक मुल्क जो अपनी एम्बेसी भी कहीं बनाना चाहता है ना, सफारत खाना, वो भी ये सारी चीज़ें सोचता है। ठीक है उसके अंदर इकोनॉमिक फैक्टर्स वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें बहरहाल सोची जाती हैं कि भाई वो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी चीज़ें वो सब अवेलेबल हैं, हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर उस चीज़ की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, अगर उस चीज़ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नहीं है, सपोर्टिंग लीगल पॉलिसीज नहीं है, तो बहरहाल आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं आ सकती। अब थोड़ा बहुत पाकिस्तानियों को इन्वेस्टमेंट्स वगैरह की समझ आई है, लोग क्रिप्टो का काम कर रहे हैं तो अब उसके ऊपर छापे पड़ रहे हैं भाई। अब मतलब पाकिस्तान के अंदर उसूल ये है कि एक चीज़ नहीं हो पा रही उसको बंद कर दो, बंद करना सीधा हल है। ये नहीं देखते कि उसको सुधारा कैसे जा सकता है कंटिन्यू रखते वक्त। एक चीज़ अच्छी है, लोग कर रहे हैं, उसके थ्रू उनको जो है वो अर्निंग्स मिल रही हैं, बाहर के लोग और पूरी दुनिया के लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक पाकिस्तानी को नुकसान हो रहा है और एक पाकिस्तानी को फायदा हो रहा है। हो सकता है पाकिस्तानी को फायदा हो रहा हो, बाहर किसी को वाला जो है वो उसका जो है वो डाउन साइड देखने को मिल रही हो, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी इसको कम्प्लीटली बंद करें। सो बहरहाल बहुत सारी एग्जाम्पल्स के तहत ये समझ में आई बात कि पेस्टल एनालिसिस एक एक्सटर्नल एनालिसिस है, इट्स एन एनवायरमेंटल एनालिसिस।
It's an environmental analysis. And at the same time, companies do it when they're looking for avenues of investment. जब वो इस तरह का कोई avenue of investment देख रही होती हैं, तो companies के लिए जरूरी होता है कि वो इस तरीके का पूरा छह नुकाती analysis जो है वो यहाँ पे अपना मुकम्मल करें. So यहाँ हमारी pestle analysis का basic concept और ये सारी चीजें जो है वो मुकम्मल होती हैं. अब हम इसकी केस स्टडी के ऊपर आते हैं और इस पे ऊपर एक अच्छा खासा बड़ा सवाल है, वो इंशाल्लाह ताला हम सॉल्व करते हैं.